गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा आपको पता है, हम टेंस पढ़ रहे थे, तो आज हम टेंस की उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा आपको पता है, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आता है, और पास्ट की बात यानी भूतकाल की बात यानी बीते हुए समय की बात होती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे केसेस और हैं जहाँ पे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। जैसे अगर हमारे पास साइमल्टेनियस एक्शन है, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, जब दो एक्शन हमारे पैरेलली हो रहे होते हैं, यानी एक काम इधर हो रहा है उसके साथ साथ दूसरा काम हो रहा है। जब ऐसे कोई भी हमारे साइमल्टेनियस एक्शन हो रहे होंगे और पास्ट की बात होगी, तो वहां पे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल शी वॉज प्लेइंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी जब वो खेल रही थी उस टाइम में क्या कर रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। दोनों काम एक साथ हो रहे थे, वो खेल रही थी और मैं टीवी देख रहा था। सेम वे, व्हाइल आई वॉज सिंगिंग ही वॉज डांसिंग, मैं गा रहा था वो नाच रहा था। तो ये जब ऐसे केसेस हमारे पास आएंगे जब साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा होगा, तो वहां पे हमें पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। इसके अलावा आप एक सेंटेंस देखिए, सीमा वेंट टू ब्यूटी पार्लर दोज डेज, यानी उन दिनों सीमा ब्यूटी पार्लर जाती थी। बट ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड मेरा आया है दोज डेज। जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि जहां पे आपको दीज डेज दिख जाए, इसका मतलब कि ऐसा काम हो रहा है, इन दिनों ऐसा काम हो रहा है, तो वहां पे आपको कॉन्टिन्यूस ही यूज करना होता है। सेम वे पास्ट में भी अगर आप दोज डेज लिख रहे हो, तो दोज डेज आने के बाद आपको समझ जाना है कि ये ऐसा काम हो रहा था, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है। तो जहां पे भी आपको दोज डेज दिखेगा, वहां आप क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज नहीं करना है। तो सही सेंटेंस मेरा क्या बनेगा, सीमा वॉज गोइंग टू ब्यूटी पार्लर दोज डेज, यानी उन दिनों पार्लर जा रही थी। सेम वे, जोन वॉज गोइंग टू जिम दोज डेज, क्रिश वॉज गोइंग टू स्कूल दोज डेज, क्रिश वेंट टू स्कूल दोज डेज, वो गलत हो जाएगा। दोज डेज मेरा इंडिकेट कर रहा है कि हमें कॉन्टिन्यूस का ही यूज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट केस हमारा आता है जब हम ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं, यानी ऐसा हो रहा था, ग्रेजुअली ऐसा हो रहा था। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, या एक सेम पेस पे जब कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली। जैसे आप क्या कर रहे थे, यू वर गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, यानी धीरे धीरे आप बेहतर होते जा रहे थे। तो ऐसा रहा था वाली फीलिंग होगी, ऐसा होता रहा था, तो उस केस में हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करना है। जैसे द बैम्बो प्लांट वॉज ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर, ठीक है। इसके अलावा एक बात देखिए, पास्ट में हम दो फ्रेजेस का यूज करते हैं, हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं टाइम फ्रेम एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, दैट इज बिफोर एंड एगो। अब हमें पता है दोनों का मतलब होता है पहले, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आप ही बात याद रखना, बिफोर का सीधा साधा सिंपल मतलब होता है पहले, लेकिन एगो का मतलब होता है जिस टाइम में बात कर रही हूँ, जिस टाइम में बात कही गई उस समय से पहले। तो हमें एगो के साथ ही मेंशन करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है कि कितना पहले। तो एगो के साथ हमेशा एक टाइम एक्सप्रेशन आएगा, आप एगो को बिना टाइम एक्सप्रेशन के यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैं बोलूंगी भैया 3 साल पहले, तो आप बोलोगे 3 years ago, 5 साल पहले 5 years ago, 5 मिनट पहले 5 minutes ago। इस एगो का मतलब है जिस टाइम मैं बोल रही हूँ उससे कितना पहले, यानी आज से 3 साल पहले, तो मैं बोलूंगी 3 years ago। लेकिन बिफोर का मतलब होता है सिर्फ पहले। मैं सेंटेंस से आपको समझाती हूँ। मैंने लिखा आई मेट दिस गर्ल 3 years ago, यानी इस लड़की से मैं 3 साल पहले मिला था, यानी आज से 3 साल पहले मैं इस लड़की से मिला था, मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये पूछती हूँ कि आप इस लड़की से कभी पहले मिले हो, तो आप ये नहीं पूछोगे कि हैव यू मेट दिस गर्ल एगो, आप क्या बोलेंगे, हैव यू मेट दिस गर्ल बिफोर, क्या आप इस लड़की से पहले कभी मिले हो, ठीक है। यहाँ पे एगो यूज नहीं किया जाएगा। एक और सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में मैंने लिखा है आई रीच द स्टेशन एट 5 AM बट द ट्रेन हैड लेफ्ट 10 मिनट्स बिफोर। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे बिफोर के साथ मेरा टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है, बट ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे बिफोर का सिंपल मीनिंग है पहले, यानी मैं स्टेशन पे 5 बजे गया लेकिन ट्रेन उससे भी 10 मिनट पहले चली गई थी, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि माय ब्रदर ग्रेजुएटेड 5 years before, तो वो गलत होगा, क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज से 5 साल पहले मेरे भाई ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। तो क्या बोलेंगे, माय ब्रदर ग्रेजुएटेड 5 years ago, ये ठीक होगा, यहाँ पे हम बिफोर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
शी वेंट 2 मिनट्स एगो, यानी अभी अभी 2 मिनट पहले ही वो निकली है, यानी आज से जिस टाइम मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ उससे 2 मिनट पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो इस केस में शी वेंट 2 मिनट्स एगो ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ शी वेंट 2 मिनट्स बिफोर, तो यहाँ पे थोड़ी सेंस चेंज हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि जिस टाइम उसको जाना था वो उससे 2 मिनट पहले चली गई, यानी उसको जाना था 4 बजे और वो 4 बजने में 2 मिनट पहले ही चली गई। ठीक है, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, एगो का मतलब होता है जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम बात हो रही है उससे कितना पहले, तो हमें वो टाइम एक्सप्रेशन से दिखाना पड़ेगा। तो एगो जब भी आएगा आपको टाइम एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। बिफोर को आप बिना टाइम एक्सप्रेशन के भी यूज कर सकते हो और एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के साथ भी यूज कर सकते हो, बट आप उसके लॉजिकल सेंस को जरूर देखना सेंटेंस को, कि सेंटेंस एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। अब हमारे पास पास्ट में कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि SSC, DSSP जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वो स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि कैसे सेंटेंस हमारे बनते हैं। जैसे अगर हमारे पास पास्ट में 2 एक्शन हो रहे हैं और वो हमारे बिफोर या आफ्टर से कनेक्टेड हैं, तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने बोला आई सॉ हिम, यानी एक एक्शन मेरा क्या हुआ, उसे देखने का, और दूसरा एक्शन क्या हुआ, ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने अपनी कार रोकी। ठीक है, ये सेंटेंस मेरा जुड़ा हुआ है बिफोर से। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी मैंने उसे देख लिया था उसकी कार रोकने से पहले। हिंदी कन्वर्जन इसका ये होगा। तो आप एक बात याद रखना, जब भी मेरे ऐसे 2 एक्शन हो रहे हैं कि एक काम उससे पहले हुआ है, एक काम उसके बाद हो रहा है, तो जो काम मेरा पहले हो चुका है वो मेरा हमेशा परफेक्ट टेंस में आएगा, और जो काम मेरा बाद में हुआ है वो मेरा सिंपल पास्ट में आएगा। यानी पहले मेरा कौन सा काम हो चुका था, मैंने उसको पहले देखा था, उसके बाद उसने कार रोकी थी, तो जो मेरा पहले काम हुआ है उसको मुझे परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। आई हैव सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, यानी मैंने उसे पहले देखा था उसके बाद उसने कार रोकी थी। तो काम जब भी 2 एक्शन मेरे आएंगे बिफोर से सेंटेंस मेरा कनेक्ट हो रहा होगा, तो जो काम पहले हुआ है दैट शुड बी इन परफेक्ट, जो काम मेरा बाद में हुआ दैट शुड बी इन सिंपल पास्ट। एक और एग्जांपल देखिए, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, यानी बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से पहले मैंने क्या कर लिया था, सब चीज रेडी कर ली थी। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, यानी जो काम पहले हो चुका है कि एवरीथिंग गॉट रेडी, वो मेरा किस में आएगा, परफेक्ट में। बिफोर दे अराइव्ड ये मेरा सिंपल पास्ट में ही आएगा। अब हम बात करते हैं आफ्टर की, जब मेरे 2 एक्शन हो रहे हो और बीच में कनेक्टर हो आफ्टर। तो आपको सेंटेंस में एक बात याद रखो, जैसे एक सेंटेंस की सेंस समझो, यहां मैंने लिखा है He switched off the light after he closed the door. यानी दरवाजा बंद करने के बाद उसने क्या किया, लाइट को भी स्विच ऑफ कर दिया। यानी काम पहले कौन सा हुआ है मेरा, पहले उसने दरवाजा बंद किया, उसके बाद उसने लाइट्स को स्विच ऑफ किया। तो काम जो पहले होता है, काम पहले क्या हुआ है, after he closed, यानी दरवाजा बंद करने के बाद, दरवाजा बंद करने वाला एक्शन मेरा पहले हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है वो मेरा परफेक्ट में आएगा, तो क्या बनेगा, आफ्टर ही हैड क्लोज द डोर। और जो काम मेरा बाद में हुआ है, यानी उसने लाइट को स्विच ऑफ किया, ये मेरा सिंपल पास्ट में आएगा। एक और सेंटेंस देखिए, बिफोर आई लेफ्ट पेरिस आई हैड वांटेड टू विजिट द फेमस बार, यानी मैं पेरिस को छोड़ूं उससे पहले मैं क्या चाहता था कि मैं देख लूं। तो पहले काम कौन सा, पेरिस छोड़ने से पहले मैं चाहता था, तो पहले मेरा काम हो रहा है ये वाला सेंटेंस। तो ये सेंटेंस मेरा किस में आएगा, परफेक्ट में आएगा, आई हैड वांटेड टू विजिट द फेमस बार और बिफोर आई लेफ्ट पेरिस, आई लेफ्ट पेरिस, ये मेरा सिंपल पास्ट में आएगा। बाय द टाइम भी हमें क्या बताता है कि जब तक ऐसा हुआ तब तक ऐसा हो चुका था, यानी बाय द टाइम भी हमारा बिफोर को बताता है। जैसे बाय द टाइम आई रीच्ड होम, यानी जब तक मैं घर पहुंचा ही हैड गॉन, यानी उसके जाने का काम मेरे पहुंचने से पहले हो चुका था। तो एक्शन जो मेरा पहले होता है यानी ही हैड गॉन, ये परफेक्ट में आएगा, और आई रीच्ड होम ये मेरा सिंपल पास्ट में ही आएगा। इफ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड माय बॉस। आप इस सेंटेंस में याद रखना, ये हमारा प्रॉपर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जनरली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जब सेंटेंस मेरा इफ से
स्टार्ट होता है। ये हम कंडीशनल सेंटेंस में भी अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ थोड़ा टेंस से रिलेशन में आ रहा है तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ। इसको हम दोबारा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ देखो, इफ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, और सेकेंड पार्ट में मेरा आता है वुड हैव। वुड हैड कभी नहीं होता, आप ये बात याद रखना। वुड एक मॉडल है, चाहे आप पास्ट की बात भी करोगे तो भी आपको वुड हैव ही लिखना है, ठीक है। वुड के बाद आप फर्स्ट होम ही लगाएंगे। इफ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, अगर मैंने काम कर लिया होता तो मैंने क्या किया होता, आई वुड हैव इन्फॉर्म माई बॉस। यानी इस तरह के अगर सेंटेंस आ जाए हमारे पास कि ऐसा हुआ होता तो मैंने ऐसा कर लिया होता, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरा बनता है, फर्स्ट में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट और सेकंड मेरा वुड हैव के साथ होगा सेंटेंस। यानी जो काम मेरा हो गया होता तो ऐसा हुआ होता तो हम क्या लिखेंगे, इफ आई हैड कंप्लीटेड द वर्क आई वुड हैव इन्फॉर्म माई बॉस। आप इसके दो एग्जाम्पल्स के साथ इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना, लिखना, बना के देखना। फॉर्मेशन से बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर्मेशन है। सेम वे आप बिफोर के कुछ सेंटेंसेस पढ़ना, अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। इसके अलावा आफ्टर, ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक और सेंटेंस होता है, हैड ही गॉट द बुक्स, अगर उसे किताबें मिल गई होती, हैड ही गॉट द बुक्स ही वुड हैव स्टडीड देम, अगर उसे किताबें मिल गई होती ही वुड हैव स्टडीड देम। यानी जहाँ ये भी सेंस है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, तो आपको यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर ही यूज करना है। हैड ही गॉट, ये सेम फीलिंग दे रहा है। इफ ही हैड गॉट द बुक्स अगर मैं लिखती हूँ तो भी सेम मतलब है। हैड ही गॉट द बुक्स लिख रही हूँ तो भी सेम बात है। हैड ही गॉट द बुक्स ही वुड हैव स्टडीड देम, अगर उसे किताबें मिल गई होती तो उसने क्या किया होता, उनको पढ़ा होता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिफोर ही सेड एनीथिंग द टीचर हैड गॉन, यानी वो कुछ बोलता उससे पहले क्या हुआ, टीचर चली गई। यानी टीचर के जाने काम पहले हुआ है, तो जो एक्शन मेरा पहले हुआ है वो हमेशा परफेक्ट में आता है। द टीचर हैड गोन, इस सेंटेंस को मैंने परफेक्ट में लिखा है, और बिफोर ही सेड एनीथिंग ये मेरा सिंपल पास्ट में आएगा। जैसे आई कुक्ड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई स्कूल वर्क, यानी मैंने खाना कब बनाया, जब मैंने अपना स्कूल का काम खत्म कर लिया। यानी काम मेरा पहले क्या हुआ है, एक्शन मेरा पहले क्या हुआ है, आई फिनिश्ड माई स्कूल वर्क, तो इसको मैं परफेक्ट में लिखूंगी, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, और उसके बाद मैंने क्या किया, कुक किया, तो उसके बाद मैं बोलूंगी आई कुक्ड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई स्कूल वर्क। यानी जब भी ऐसे दो सेंटेंस कनेक्ट होंगे तो आप थोड़ा सेंस भी समझने की कोशिश करना कि जो काम मेरा पहले हुआ है वो परफेक्ट में आएगा, जो काम मेरा बाद में हुआ है वो मेरा हमेशा सिंपल पास्ट में आएगा। By the time I reached the station, the train had gone. यानी मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन के जाने का काम मेरा पहले हुआ है, तो इसको हमेशा परफेक्ट में लिखना है आपको, तो आप इसको लिखेंगे the train had gone, और मैं स्टेशन बाद में पहुंचा तो I reached the station, जो काम पहले हुआ उसको परफेक्ट में, जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में। एक और एग्जाम्पल देखिए, When I reached home, यानी मैं घर पहुंचा, The news of my clearing the exam already preceded me. तो ये सेंटेंस यहाँ गलत है। कोई बता सकता है क्यों गलत है? Exactly. ये गलत इसलिए है कि जब तक मैं घर पहुंचा तो जो न्यूज थी मेरा एग्जाम क्लियर करने की वो मेरे से पहले पहुंच चुकी थी। यानी न्यूज पहुंचने का काम मेरे से पहले हो चुका था, तो यहाँ पे मुझे लिखना था already had preceded me. यहाँ पे मुझे had भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Had मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज पहुंचने का काम पहले हो चुका था और मैं घर बाद में पहुंचा। जब भी दो एक्शन होंगे कंडीशनली जुड़े हैं हमारे, तो आप ध्यान रखेंगे जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट में, जो बाद में हुआ है वो मेरा सिंपल पास्ट में आएगा। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है या आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ अपनी वैल्यूएबल व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।